पंजाब में मकामी टेक्नोलॉजी से मसनूई बारिश का कामयाब तजर्बा। सीड क्लाउडिंग से जेहलम, चकवाल, तलागंग और गोजरखान में बारिश। जुमा की दोपहर 2 बजे क्लाउड सीडिंग से चंद घंटों में बारिश हुई। सीड क्लाउडिंग के असरात लाहौर पर भी पड़ने का कभी इम्कान। मसनूई बारिश से स्मोक को काबू करने में मदद मिलेगी। वजीर आला मरियम नवाज की तमाम इदारों और साइंसी माहरीन को मुबारकबाद। रूठे बादल मान गए, जुड़वा शहरों में अबरे रहमत बरस पड़ा। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश। अपर दीर में मूसलाधार बारिश से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मुल्क भर में बारान रहमत के लिए नमाज इस्तिस्का अदा की गई थी। पहाड़ी इलाकों में वक्फे से बर्फबारी जारी। मोटरवे एक बार फिर धुंध के बायस बंद। हद निगाह सिफर होने पर लाहौर से इस्लामाबाद और मुल्तान मोटरवे नो गो एरिया बन गई। लाहौर से सियालकोट M11 को भी बंद कर दिया गया। शहरियों को दिन के औकात में सफर की हिदायत। स्मोग का कहर, फजा में जहर। लाहौर में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक। एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमू शरह 800 रिकॉर्ड। लाहौर मुसलसल दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। गुलबर्ग, गुरमानी रोड 1414, मरातब अली रोड पर शरा 1244 रिकॉर्ड। जनूबी पंजाब में भी फजा जहर आलूद। हफ्ते में सांस के 25,000 मरीज अस्पताल लाए गए। एक माह में मरीजों की तादाद 1.5 लाख से बढ़ गई। अशोबे चश्म के मरीजों में भी तेजी से इजाफा होने लगा। लाहौर और मुल्तान में स्मोक हेल्थ इमरजेंसी नाफिज। पंजाब में तालीमी इदारे मजीद एक हफ्ते बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन क्लासेस होंगी। एक हफ्ते के लिए तामीराती कामों पर पाबंदी आयद। फर्नेस बेस इंडस्ट्रीज, भट्टे और तामीरात भी रोक दी गईं। अगले जुमे, हफ्ते और इतवार को मुकम्मल लॉकडाउन होगा। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हस्पतालों में OPD रात 8 बजे तक कर दी गई। रेस्टोरेंट्स में 4 बजे के बाद सिर्फ टेक अवे की सहूलत होगी। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की मुल्तान के अंदर तरसील रोक दी गई। जरई जमीन पर हाउसिंग सोसाइटियां ना बनाई जाएं। स्मोक पर कम से कम 10 साल की पॉलिसी बनानी चाहिए। बड़े घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाना लाजमी करार दिया जाए। जस्टिस शाहिद करीम के इंसदाद स्मोक केस में रिमार्क्स। लाहौर हाईकोर्ट की हुकूमत को लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने की हिदायत। एडवोकेट जनरल ने बताया कि इलेक्ट्रिक बसें आइंदा साल पंजाब की सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। पाकिस्तान में सुपर मून के नज़ारे का इंतजार। पाकिस्तान में आज साल का आखिरी सुपर मून होगा। रात 2:28 पर सुपर मून अरूज पर होगा। चांद 14% बड़ा और 30% ज्यादा रोशन होता है। हमने बदतरीन जुल्म बर्दाश्त किए, ये किस बात का ताना देते हैं? नवाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI हुकूमत की कारकर्दगी सिफर है। PTI अपना कोई एक मंसूबा दिखा दे जिस पर वो फख्र कर सके। उन्होंने कहा पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुंचाने के अलावा कुछ नहीं किया। आर्मी चीफ ने गुमराह कुन और गलत मालूमात का तेजी से फैलाव अहम चैलेंज करार दे दिया। कहते हैं नफरत अंगेज बयानात की सरकोबी के लिए कवानीन जरूरी हैं। गलत इत्तलात सियासी और समाजी ढांचा गैर मुस्तहकम करती रहेंगी। कवायद जवाबित के बगैर आज़ादी इजहार इखलाक तनजुली का बायस है। जनरल आसिम मुनीर का मारगला डायलॉग 2024 की खसूसी तकरीब से खिताब। कहा रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी आलमी चैलेंज है। फितनाल फारिश दुनिया की तमाम दहशतगर्द तंजीमों की अमाज का है। दुनिया में अम के लिए किरदार अदा करते रहेंगे मगर किसी आलमी तनाज़े का हिस्सा नहीं बनेंगे। गैर कानूनी VPNs बंद किए जाएं लेकिन रजिस्टर्ड VPN सार्फीन मुतासर ना हों। वजारत दाखिला ने PTA को मरासला अरसाल कर दिया। दहशतगर्द VPNs इस्तेमाल कर रहे हैं। VPN से दहशतगर्द बैंक ट्रांजेक्शन और दहशतगर्दी में मदद हासिल करते हैं, अपनी शनाख्त और बातचीत छुपाते हैं। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने VPNs के इस्तेमाल को गैर शरई करार दे दिया। चेयरमैन डॉक्टर राघिब नईमी का कहना है गैर अखलाकी और गैर कानूनी मवाद तक रसाई के लिए VPNs का इस्तेमाल शरई लिहाज से नाजायज है। हुकूमत को बुराई की रोकथाम के इख्तियार है। तौहीन आमेज और मुल्की सालमियत के खिलाफ मवाद पर भी फौरी पाबंदी लगाई जाए।
दहशतगर्दों का कोई मजहब है ना इलाका, दहशतगर्दी का खात्मा आलमी चैलेंज है। वज़ीर दाखला मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दी के नासूर से निपटने के लिए मुश्तरक आलमी हिकमत अमली नागुज़ीर करार दे दी। पाक तुर्किया वज़ीर दाखला की मुलाकात, दो तरफा तालुकात पर तबादला ख्याल। तुर्किया में तीन पाकिस्तानी कैदियों की वतन वापसी पर गुफ्तगू। तुर्क वज़ीर दाखला की कैदियों की वापसी के लिए तआवुन की यकीन दहानी। वज़ीर दाखला तुर्किया ने मोहसिन नकवी की दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। पाक फौज का देवसाई में आसाब शिकन रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब। देवसाई में शदीद बर्फबारी में फंसे तमाम सयाह बचा लिए गए। पाक फौज ने फंसे अफराद की अपील पर फजाई और जमीनी ऑपरेशन किया। जमीनी राबता मुनकता होने पर जवानों को पैदल रवाना किया गया। भारत अपने ही जाल में फंस गया। आईसीसी ने भारतीय बोर्ड से पाकिस्तान न आने की तहरीरी वजूहत मांग ली। वजूहत जायज ना हुई तो भारतीय टीम को आने का कहा जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत मैच न होने पर आईसीसी को 50 करोड़ डॉलर का नुकसान होगा। भारतीय बोर्ड के नुकसान का तखमीना 10 करोड़ डॉलर है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए तैयारियां तेज। गजाफी स्टेडियम की मेन बिल्डिंग का काम 60% तक मुकम्मल। इनक्लोजर्स में स्टील वर्क का काम भी तेजी से जारी। पीसीबी गजाफी स्टेडियम को 30 दिसंबर की डेडलाइन से कबल मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म। जीत का अज़्म लिए पाकिस्तानी टीम ब्रेस्बेन से सिडनी पहुंच गई। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरा टी20 आज सिडनी में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 1 बजे शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान 5 रोजा मुजाकरात खत्म। आईएमएफ वफ्द को सूबाई सरप्लस बजट पर कायल कर लिया गया। आईएमएफ का जनवरी से ज़राए आमदन पर टैक्स वसूली शरा शुरू करने पर जोर। हुकूमत ने बैरूनी फाइनेंसिंग के इंतजाम की यकीन दहानी करा दी। पंजाब में मजीद 12 अद्वियात के नमूने फेल। डिप्रेशन के मरीजों की दवा एंटीवॉन लैब टेस्ट में फेल। आंखों की सोजिश के इलाज की कोलेजन ट्यूब जाली दे दी गई। खून के कैंसर के मरीजों को लगने वाला इंजेक्शन भी जाली निकला। फेल करार अद्वियात के नमूने मार्केट से फौरी हटाने का हुक्म। ऐसे करेगा पंजाब तो कैसे पढ़ेगा पंजाब। पब्लिक स्कूलों में असातिज़ा की 1,24,712 असामियां खाली। लाहौर के स्कूलों में 3,000 से ज़ायद असातिज़ा की असामियां खाली। स्कूल सरबराहान की 4,300 असामियां खाली पड़ी। ट्रंप की मुशीर एलन मस्क की अक़्वामे मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तकिल मंदूब से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी खत्म करने से मुतल्लिक उमूर पर बात की गई। एलन मस्क और अमीर सईद एरवानी के दरमियान खुफिया मकाम पर मुलाकात 1 घंटे जारी रही। ईरानी मंदूब की एलन मस्क को तेहरान में कारोबार शुरू करने की दावत। ट्रंप की जानिब से काबीना के लिए मुतनाज़ा नामों के ऐलान का सिलसिला जारी। नौमुंतखब अमरीकी सदर ने रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को वजीर सेहत नामजद कर दिया। रॉबर्ट कैनेडी जूनियर वैक्सीन मुखालिफ हैं। कोरोना वबा के दौरान वैक्सीन से मुतालिक गलत मालूमात फैलाई थी। किंग चार्ल्स स्वयं की दुनिया भर के फनकारों के एजाज में तकरीब। पाकिस्तानी अदाकार अदनान सिद्दीकी भी शाही मेहमानों में शामिल हुए। किंग चार्ल्स ने अदनान सिद्दीकी के काम को सराहा। रंगारंग तकरीब में फिल्म ग्लैडिएटर 2 का प्रीमियर भी हुआ।